हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश की फीलिंग्स के लिए। तो पोर्टल गया है, फुल मून गया है, तो डेफिनेटली क्रश की फीलिंग्स क्या है, जिनके ऊपर आपको क्रश है या फिर किसी को आप पर क्रश है। तो फाइनली एक लाइकिंग है, लेकिन बात क्लियर नहीं है। फील तो होता है लेकिन क्लियरिटी नहीं है। तो उस सिचुएशन को जानते हैं कि उनकी तरफ से क्या फीलिंग्स है, क्या सच में उनको भी लगता है कि क्या जो भी है वो जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई आपको पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हैं। इस सिचुएशन के लिए रीडिंग हो रही है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है। टेन सो नाइन टेन 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 ओके। द एम्प्रेस ओके। तो आपकी जो क्रश है उनके साइंस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, और मार्स के अंदर नहीं है ओके। मेंस की एनर्जी नहीं है बट हो भी सकती है। तो टॉरस एंड पाइसिस ये साइन ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, उनके साइन स्ट्रांगली हो सकते हैं। लेकिन जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून वगैरह जो कार्ड्स आते हैं उसमें साइंस सभी कवर होते हैं। तो ये एनर्जी, ये साइंस ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट सभी साइंस मौजूद हैं। तो जो लोग साइंस जानना चाहते हैं तो उनके लिए है ये इन्फॉर्मेशन। उनकी बर्थ डेट 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। बर्थ नंबर्स वो हो सकते हैं 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 या 2 भी हो सकता है। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट क्या है, तो इनसे आप वर्क प्लेस पर मिले हो सकते हो या फिर स्कूल कॉलेज या एकदम एक चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर कॉलेज स्कूल की दोस्ती हो सकती है। तो जिन्हें आप पसंद करते हो या जो आपको पसंद करते हैं वो उनसे पहले आप मिल चुके हो या उन्हें आप पहले से जानते हो। यस, या तो आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है डेफिनेटली। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। या तो हो सकता है कि ना आपको किसी के साथ देखा है, आपके स्टेटस स्टोरीज कहीं ना कहीं कुछ तो है जिनकी वजह से इनकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। इनसिक्योरिटीज़ आप में से दोनों कोई फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं तो उसकी वजह से ना कहीं एक मतलब है ना ऑफ़र दे देना है लेकिन पीछे हटने का एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि स्टेबिलिटी चाहता है। मैरिज मटेरियल तो समझते हैं लेकिन ऑफ़र रुका देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे कोई स्पेशली वो आपको उतने काबिल नहीं समझते। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, और आपकी मतलब एक ऑरा ऐसी है ना कि आप बहुत इंडिपेंडेंट फील होते हो, आप बहुत ज़्यादा एक ग्रूम्ड अप लाइक ना आपकी पर्सनालिटी वो वाली चीज़ ज़्यादा ही थे। और आपको देखा तो जैसे मैंने गाना भूल गया है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक्चुअली वो लड़का है या लड़की इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो जो फीलिंग है ना कि जैसे उसे देखा तो कुछ डिफरेंट ही एहसास हुआ। स्पेशली ऐसे पास्ट कनेक्शन का वगैरह कुछ एक डिफरेंट एहसास है कि जैसे उसको देखा तो देखते रह गए,
आपकी पर्सनालिटी है वो अलग ही है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी जैसे ना एक अजीब एक खास ऑरा है, ये जो ऑरा है ना आपकी, कि आप अपने आप में मस्त, आपकी पर्सनालिटी, आपकी चाल ढाल वगैरह, जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक कमांड है, एक पर्सनालिटी में एकदम ना एक क्या बोलते हैं उसको, एकदम कमांड बोलते हैं, या फिर एक आई एम सो सॉरी आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, तो एक पर्सनालिटी एकदम बहुत खूबसूरत है, इंडिपेंडेंट, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, एंड स्पेशली यहाँ पे ना मुझे कहीं पे भी एक यहाँ एक छोड़ा तो एक चीट की एनर्जी, चीट ऐसे नहीं है, मुझे भागने की एनर्जी नज़र आई। तो इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा श्योर है एंड प्योर है, श्योर एंड प्योर है, इसलिए तो डिले हो रहा है। यहाँ पे मुझे ना कहीं टाइम पास या कुछ नहीं नज़र आ, इनफैक्ट स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है। शादी का प्रपोज़ल वो हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अभी इनकी तरफ से हो सकता है कि मूवमेंट इसलिए रुके है या बात रुकी है क्योंकि पॉसिबल है कि ये मैरिड हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हो सकते हैं, इसकी वजह से बात रुकी है, या फाइनेंशियली, मैंने जैसे कहा कि फाइनेंशियली एक दूसरा बहुत ज़्यादा एक एस्टेब्लिश है और एक बिल्कुल इतना एस्टेब्लिश नहीं है, उसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हो सकती है। तो फाइनली ऐसा है ना कि ये चाहते तो है लेकिन आपके पास आने के लिए ना एक अजीब सा डर है, स्पेशली ऐसा स्टेबिलिटी जिस तरह से एक ठहराव है आप में, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, आपका ऑरा ही ऐसा है ना कि ऐसा लगता है कि इम्प्रेस तो बहुत लोग हो जाते हैं लेकिन पास में जाने का हिम्मत सब में नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपके ऑरा में एक ऐसी खास बात है कि अगर आपने अपने आप को ग्रो किया है ना, तो आप सिर्फ फाइनेंशियली या सिर्फ यू नो एक ऑरा वाइज कैसे है ना कि एक स्पिरिचुअल एक एनर्जी भी है आपके आसपास, तो जो प्योर एनर्जी है ना, प्योर लव, वो जो एनर्जी है ना वही आपके आसपास आ रही है। अदरवाइज जो निगेटिव एनर्जी है, जो कहते हैं टाइम पास है, झूठ बोलना चाहते हैं, वो इंसान आपके आसपास नहीं आ पा रहे, नहीं आ पा रहे। ये इंसान आपके रिश्ते में जो रिस्क है ना, जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या मैरिड अनमैरिड या फिर कैसे हो सकता है, ये वाली जो पॉसिबिलिटीज़ है उसे ब्रेक करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, उनको पता है कि बहुत बड़ी रिस्क है। और हो सकता है ना कि अगर आपसे कुछ अनबन हुई, लाइक ना आपको प्रपोजल पसंद नहीं आया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो शायद आप दोस्त की तरह भी बात नहीं करते, क्योंकि अभी आपकी ऐसा लगता है ना आपकी अच्छी खासी दोस्ती है, तो वो भी आप तोड़ देंगे, इतने आप स्ट्रांग हो, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के आना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैसे ना आपकी दोस्ती भी खोना नहीं चाहते, दोस्ती भी खोना चाहिए, इनफैक्ट आपको और लेवल तक पाना चाहते हैं, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ख्याल बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अच्छे हैं, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से मूवमेंट होने के, ऑफ़र आने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते में हो सकता है, कुछ लोग के जून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम करंट एनर्जीज निकालते रहते हैं, तो उसमें सबसे लीस्ट एनर्जीज में मुझे एक हफ्ते की एनर्जी और कुछ लोग में जून में ये प्रपोजल्स आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। लेट्स सी कि यहाँ से भी क्या सारे हैं। बाउंड्रीज, इनर पीस। सो आपके आपके पास आने से ना, उनको आपसे बात करने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो देयर इज अगेन पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा चीज़, आप में जैसे मैंने कहा ना, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और सेक्रेट वुमन, एक अजीब सी प्योर एनर्जी है, ये जस्ट एक फाइनेंशियली और वो सब चीज़ नहीं है, आपकी खूबसूरती वगैरह इतना सब इनफ नहीं है, आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उतनी स्ट्रांग है, प्योर है, तो इस इंसान को वो लाइक ना एक टाइम पास या धोखा देने वाली एनर्जी अगर है भी ना मन में, तो वो चली जाती है, वो है ही हो, पहले तो हुई नहीं है, इनफैक्ट वो चीज़ भी नहीं हो ही नहीं पा रही है कि मतलब चलो देख लेंगे आगे क्या होगा, वो वाली एनर्जी नहीं हो पा रही है। सो आपने अपनी जो बाउंड्रीज सेट करी है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और उसे ब्रेक करना सच्चे प्यार के ही क्या बोलते हैं उसमें वो काबिलियत हो सकती है।
तो डेफिनेटली इन एंड आई, और कुछ लोग के इसमें ना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर है। आपने अपने ऊपर ये सब जो स्पिरिचुअली ग्रो किया है अपने आप के ऊपर, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसे कि मैंने टाइम दिया है तो उसमें इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव और इन द नियर फ्यूचर, मैंने कहा ना इन द नियर फ्यूचर एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ हो नहीं रहा है, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, मूवमेंट होगी इन द नियर फ्यूचर, एक शॉर्ट फ्यूचर में मूवमेंट होने के चांसेस। मैंने कहा ना कि शॉर्ट फ्यूचर, मुझे एक वीक और ज़्यादा से ज़्यादा जून की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।